जिन लोगों का जन्मदिन 1 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्या रह सकती है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। अप्रैल के महीने से जीवन में और स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा, वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। आज की जिज्ञासा ये है कि कुंडली में जो शाप होते हैं, जो पूर्व जन्म से चले आते हैं, उनका प्रभाव समाप्त करने के लिए क्या उपाय करें। किसी भी तरह का शाप सामान्यतः राहु और केतु से संबंध रखता है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, सुनने से काफी हद तक शाप और दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में बिना वजह के कलह कलेश हमेशा होता रहता है तो क्या उपाय करेंगे। घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ रखिए। दोनों समय सुबह और शाम पूजा स्थान पर धूप बत्ती जलाइए और घर में एक समय, कम से कम शाम के समय ही सही, घर में नियमित रूप से मंत्रों का जप करिए या नियमित रूप से कीर्तन करते रहिए। घर की तरंगे बहुत अच्छी हो जाएंगी और घर में कलह कलेश बंद हो जाएगा। अगर आपको हर समय अपने स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान निर्धन व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हर शनिवार को आप खाने पीने की वस्तु का दान करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।